हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टेल यू प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द एनवायरनमेंट। आज का हमारा टॉपिक है हमारे पर्यावरण में पौधे और एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर इन द एनवायरनमेंट। पर्यावरण में पौधे और एनिमल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं। दे ऑल्सो इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट इट्सेल्फ। द प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमंस डिपेंड ऑन प्लांट्स। जानवर और मानव प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं। एनिमल्स नीड फूड प्रोटेक्शन एंड शेल्टर। जो जानवर हैं उनको क्या किसकी आवश्यकता होती है? फूड, शेल्टर और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। प्लांट्स आर यूज एज सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स भोजन के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। दे कैन बी यूज फॉर शेल्टर, और वो शेल्टर के रूप में भी यूज किए जाते हैं। दे प्रोवाइड शेड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द हॉट सन, और ये क्या करते हैं? गर्म सूर्य की रोशनी से क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। ह्यूमंस एंड प्लांट्स। ह्यूमंस यूज प्लांट्स फॉर फ्यूल। मानव के द्वारा जो पौधे हैं वो ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। वी ऑल्सो यूज प्लांट्स टू मेक क्लॉथ्स, डाइज एंड मेडिसिंस, और हम क्या करते हैं? पौधों को मेडिसिंस के रूप में भी उपयोग करते हैं। We also obtain rubber required for tire wiring seats etc. from plants. और plants के द्वारा rubber प्राप्त की जाती है, जिससे क्या होता है? Tire की wiring की जाती है, seats बनाई जाती हैं। Animals and humans depend on plants. मानव और जानवर पौधों पर निर्भर करते हैं। And animals for their food. और animals क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। In the food chain. Food chain में मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आपको पता होगा। सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स दूसरे जानवरों को खाते हैं। ह्यूमंस ऑल्सो यूज एनिमल्स एज सोर्स ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग, और मानव क्या करते हैं? एनिमल्स जानवर को भोजन और कपड़े बनाने के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई भी डाउट हो